हाँ जी, तो आज जो मैं आप सबसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो डिस्कशन होगा हमारा चेक बॉक्सेस के ऊपर। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था रेडियो बॉक्सेस पे, और रेडियो बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी रेडियो बॉक्स बनाते हो केवल एट ए टाइम कोई एक ही रेडियो बॉक्स क्या होता है सेलेक्ट होता है, बाकी सारे क्या होते हैं डीसेलेक्ट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं चेक बॉक्सेस की, तो हम ये जानेंगे कि हमारे काम में एक चेक बॉक्स भी बन सकता है, हमारे काम में 10 चेक बॉक्स भी बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे कमाल की बात क्या होती है कि चेक बॉक्स क्लिक भी किया जा सकता है नहीं भी, और सारे भी चेक बॉक्स क्लिक किए जा सकते हैं, कुछ चेक बॉक्स भी क्लिक किए जा सकते हैं, बाद में डीसेलेक्ट भी किए जा सकते हैं। मतलब चेक बॉक्स में प्रॉपर फ्रीडम होती है किसी भी काम को करने की। तो शुरुआत में अगर हमें बेसिक आइडिया समझना है चेक बॉक्स का, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम उस पर आते हैं। मैं यहाँ पे सबलाइम के अंदर एक कोड लिखना चाहूँगा, वो कोड होगा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक हॉबीज़ नाम का ऑप्शन बनाना चाहूँगा। तो हॉबीज़ इन जावास्क्रिप्ट, ऐसे मैं एक फाइल का नाम रख देता हूँ .html। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पे HTML का ही काम करूँगा। तो हॉबीज़ इन या हॉबीज़ विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। अब हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आके सिर्फ हम एक काम करना है, हमें यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट हॉबीज। क्या लिखना है, सिलेक्ट हॉबीज आपको ये लिखना है। और ये लिखने के बाद आपको अब यहाँ पे लिखना है इनपुट टाइप, टाइप में लिखना होगा आपको क्या चेक बॉक्स। अभी आप इसका एक नाम बना दो, नाम में लिख दो आप हॉबीज, और यहाँ आईडी आप इसकी दे दो आप C1 या H1, हॉबी के अंदर आप दे दो H1। और यहाँ पे आप लिखो वैल्यू, और वैल्यू में लिखो आप डांसिंग। जब आप ये सब कुछ कर लोगे, आप एक चीज़ गौर करोगे फिलहाल, वो क्या कि इससे क्या हो रहा है, इससे से केवल आपका सिर्फ एक ही चेकबॉक्स बनकर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ भी कुछ नहीं है एज अ यूजर साइट। यहाँ पे देखिए क्या देख पा रहे हैं आप, सिर्फ ये लिखा हुआ रहा है सिलेक्ट हॉबीज, और सिर्फ एक चेकबॉक्स बना हुआ रहा है। यानी ये पूरी लाइन लिखने से क्या हुआ है, इनपुट टाइम बराबर चेकबॉक्स, सिर्फ एक चेकबॉक्स बना हुआ है। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक लिखता तब भी मेरा चेकबॉक्स बना हुआ था, तो वाई एम राइटिंग मैंने क्यों ये लिखा है नेम बराबर हॉबीज़ या आईडी बराबर H1 और वैल्यू बराबर डांसिंग। ये चीज़ें जो लिखी गई हैं, ये तीन चीज़ें जो लिखी गई हैं, तीन चीज़ें लिखी जा रही हैं जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल के लिए। किस चीज़ के लिए, मेन है यहाँ पे आपके, मैं जावास्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट में मैं अपने चेकबॉक्स को चेक करना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट के द्वारा अगर मेरा चेकबुक चेक हो गया तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ये तीन लाइनें उसके लिए लिखी गई हैं फिलहाल। हालांकि इसमें से एक ऑप्शनल हो सकता है आईडी, या तो आईडी ऑप्शनल हो सकता है नेम, लेकिन अभी फिलहाल मैंने लिख दिया आपको दिखाने के लिए। और अब मैं यहाँ लिखूँगा डांसिंग, यानी जो वैल्यू आपने दी है वो आप बाहर लिख दो ताकि इसका लुक कुछ इस तरीके से आ सके। अब इसके बाद जैसे आपने ये बनाया है, अब आप क्या करेंगे, कॉपी कर लीजिए इसे, पेस्ट 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 इन पेस्ट। और सबसे पहले जो H1 है उस H1 को H2 कीजिए, यानी आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये हॉबी 3 होगी, ये हॉबी 4 होगी, और ये हॉबी 5 होगी। और फिर यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को चेंज कीजिए। अगर आपने डांसिंग डाल दिया तो यहाँ पे सिंगिंग डाल दीजिए, यहाँ पे रीडिंग कर दीजिए, यहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर दीजिए, और यहाँ पे आप लास्ट में अदर्स कर दीजिए। यानी कुछ और हो सकती है जो पता नहीं है, या हर चीज़ हम मेंशन नहीं कर सकते। चलो भाई यहाँ पे भी चेंज करो, यहाँ पे कर दो सिंगिंग, यहाँ पे कर दो रीडिंग, और यहाँ पे भी कर दो ट्रैवलिंग, और यहाँ पे भी कर दो अदर्स। ये लीजिए आपका सारे चेक बॉक्सेस बन चुके हैं। अब इन चेक बॉक्स की फितरत क्या है, इनमें से कोई भी कभी भी सिलेक्ट किया जा सकता है, और कोई भी कभी भी बाद में डीसेलेक्ट
किया जा सकता है, हाँ या ना? यस सर, मुझे क्या करना है, मैं अपनी बात पर आता हूँ। मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई भी अगर हॉबी सिलेक्ट करूँ या कोई भी हॉबीज़ को सिलेक्ट करूँ, कोई एक हॉबी सिलेक्ट करूँ, एक से ज़्यादा हॉबीज़ के लिए वो सिलेक्ट करूँ, मेरे पास आंसर आना चाहिए कि आपकी हॉबीज़ जो हैं वो ये हैं, या आपकी हॉबी जो है वो केवल ये है। इस तरीके से एक मैसेज आना चाहिए मेरे पास। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे आसान तरीका, कि सबसे आसान तरीका यहाँ पे होता क्या है। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बटन बना लीजिए, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये तरीका आसान ज़रूर है बट फ्यूचर के लिए बेकार तरीका है। यानी कि इस तरीके पे काम करना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा, लेकिन अभी क्योंकि आप लोग सीख रहे हो तो आप इस तरीके को मान के चलो कि आपके लिए तो ये अभी बेस्ट तरीका है। फिर आप जब इसे कर लोगे, समझ लोगे, तो इससे बेहतर तरीका और होगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी सी और चीज़ों को सीखना और समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप दे दीजिए ऑन क्लिक नाम का इवेंट, या सॉरी पहले तो आप वैल्यू दीजिए, वैल्यू, और वैल्यू में इसकी वैल्यू डाल दीजिए क्या, योर हॉबी या हॉबीज, योर हॉबी या फाइंड हॉबी, जो भी आपको लिखना है बटन के ऊपर, और फिर यहाँ पे ऑन क्लिक आ जाएगा, और ऑन क्लिक के अंदर आप यहाँ लिख दीजिए टेस्ट हॉबीज़। ये इस नाम का एक फंक्शन बनाया जा रहा है, किस नाम से, टेस्ट हॉबीज़ नाम का हॉबीज़ एक फंक्शन बनाया जा रहा है। चलो जी, अब आते हैं ज़रा हम किसमें, स्क्रिप्ट वाले पार्ट में। तो हमने बनाया नहीं है तो हम स्क्रिप्ट पार्ट पहले क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम क्या, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट हॉबीज। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप बना लो एक वेरिएबल, ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम कर दो एच इक्वल टू, और उस वेरिएबल में अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगा वो वेरिएबल, बिल्कुल ब्लैंक। यानी आप यहाँ पे जो वेरिएबल बना रहे हो वो बना रहे हो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप, आप एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। देन इसके बाद आपका अगला काम क्या है, आपका अगला काम यह है कि अब आप यहाँ पे हर एक चेकबॉक्स को चेक कराओ, हर एक चेकबॉक्स को चेक कराओ क्या वो चेकबॉक्स टिक है या नहीं। यानी आपको ये जानना है, जानना पड़ेगा कि क्या यूज़र ने इस पर टिक किया या नहीं किया, क्या यूज़र ने इस पर टिक किया या नहीं किया, क्या यूज़र ने इस पर टिक किया या नहीं किया। अगर किसी भी टिक किया है तो जो भी उस चेकबॉक्स की वैल्यू है, ये वाली नहीं जो यहाँ लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू नहीं, ना ही ये वाली वैल्यू, बल्कि कौन सी वैल्यू जो आपने इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट में दी है, कहाँ पे दी है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स के अंदर वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट में ये दिए ना आपने, जैसे वैल्यू बराबर डांस है, वैल्यू बराबर सिंगिंग, आपको ये वैल्यू जो है इस एच के अंदर स्टोर करवानी है, किसमें, एच के अंदर। जो आपका एच नाम का वेरिएबल है, आपको इस नाम के एच नाम के वेरिएबल में स्टोर करवानी है। और जैसे जैसे सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, आप दिखा दोगे यूज़र को कि मेरी वैल्यू ये है, या मेरी वैल्यू ये और ये है। क्योंकि एक पर्सन की एक हॉबी ये हो सकती है, किसी दूसरे पर्सन की चार हॉबीज हो सकती हैं, किसी और पर्सन की दो हॉबीज हो सकती हैं, तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो एक ही सिलेक्ट करे, वो एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ़, और यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आप बताओ सबसे पहले एच, सबसे पहले चेकबॉक्स की आईडी क्या है, H1। सबसे पहले वाले चेकबॉक्स की जो आईडी है वो क्या है, H1। तो आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी H1 डॉट चेक्ड। ये जो प्रॉपर्टी है डॉट चेक्ड, CHECKED चेक्ड, इसका काम क्या है, ये देखना, डॉट चेक प्रॉपर्टी का काम ये होता है, ये देखना कि जो रेडियो बटन है या जो चेकबॉक्स बटन है, क्या उन दोनों में से कोई भी एक या वो क्लिक किए गए हैं या नहीं किए गए, क्या उनको चेक किया गया नहीं किया गया। अगर चेक किया गया तो आंसर आएगा ट्रू, वरना आएगा फॉल्स।
यानी ये इफ कब काम करेगा, ये इफ तब काम करेगा जब एच वन टिक किया गया होगा, और अगर टिक किया गया है तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ये करना है कि जो हमारा एच नाम का वेरिएबल है, हमें एच नाम के वेरिएबल में क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी एच वन डॉट वैल्यू, हमें एच वन की वैल्यू शो करवानी है, प्लस उसके बाद हमें यहाँ पे स्पेस कॉमा देना है डबल कोटेशन के अंदर, डबल कोट्स में एक स्पेस देना है और स्पेस के बाद एक कॉमा देना है। कॉमा इसलिए दिया जा रहा है, स्पेस लिए दिया जा रहा है क्योंकि बाद में हो सकता है यूज़र कोई और दूसरा चेकबॉक्स ऐड करे, कोई दूसरे चेकबॉक्स पर क्लिक करे, तो दो चेकबॉक्स के बीच में क्या आना ज़रूरी, स्पेस और कॉमा। तो इस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, हम यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, हमने लिखा एच बराबर एच प्लस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी डॉट वैल्यू। यहाँ डॉट वैल्यू लिखने का मतलब ये है कि मैं इस डांस ये डांसिंग नाम की जो वैल्यू है ये लेना चाहता हूँ एच वन से, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेस कॉमा, ताकि वैल्यू के बाद क्या हो जाए, ये डेटा जुड़ जाए। और जैसे ही डेटा जुड़ेगा, अब मैं यहाँ पे नीचे क्या करूँगा, मैं नीचे अलग से एक इफ़ लिखूँगा, अलग से एक इफ, और इस इफ में ये चेक कराऊँगा कि अगर इफ़ की वैल्यू क्या है, अगर इफ़ के अंदर कुछ भी नहीं आया यूज़र से, यूज़र ने किसी भी चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अलर्ट के द्वारा शो कराऊँगा कि प्लीज़ सिलेक्ट एट प्लीज़ सिलेक्ट अ हॉबी, प्लीज़ सिलेक्ट अ हॉबी। और अगर उसने कुछ दे रखा होगा, कुछ सिलेक्ट किया होगा एच वन के अंदर, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा अलर्ट के अंदर योर हॉबीज आर, या योर हॉबीज योर हॉबीज, इस तरह से लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा एच नाम का वेरिएबल, यानी जितने भी हॉबीज़ होंगे फिर वो एच द्वारा क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। अभी मैंने देखो एक इफ़ एक चेकबॉक्स के लिए कंडीशन लगाई है, अभी मैं बाकी सारे चेकबॉक्स के लिए भी कंडीशन लगाऊंगा, पहले आप एक पे समझ लो। तो भाई मैंने क्या करा, जब मेरा प्रोग्राम कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें एक एच नाम का वेरिएबल बनेगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, फिर इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगा कर हम क्या चेक करेंगे, हम एच वन नाम की आईडी की वैल्यू चेक करेंगे डॉट से कि क्या इसने टिक किया गया या नहीं किया गया, अगर टिक किया गया तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो एच के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद हमने अलग से ये इफ़ एल्स का पार्ट लिखा है जिसका ऊपर वाले इफ़ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो एच है, क्या हमारे एच की वैल्यू जो है वो ब्लैंक है, क्या वो ब्लैंक के बराबर है, अगर है तो उसका मतलब क्या है कि यूज़र ने किसी भी चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करा है, तो हम यहाँ पे एक अलर्ट द्वारा मैसेज देंगे कि प्लीज़ सिलेक्ट हो भी। और अगर ऐसा नहीं है, एच में कुछ ना कुछ है, तो जो भी एच के अंदर होगा हम उस वैल्यू को क्या करा देंगे, हम उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो चलो भाई सेव करते हैं एक बार, और एक बार हम अपने आउटपुट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। हम सबसे पहले योर हॉबी पे क्लिक करते हैं, क्या लिखा हुआ आया, प्लीज सेलेक्ट अ हॉबी, क्यों लिखा हुआ आ रहा है ये, क्योंकि हमने कोई हॉबी सिलेक्ट नहीं करी। अब हम एक काम करते हैं, हम डांसिंग पे जाके क्लिक करते हैं, अभी मैं सिर्फ पहले वाले पे क्लिक करूँगा, अब हॉबी पे क्लिक करते हैं, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, जूम करके देखिए ज़रा आप लोग, Your hobby is dancing. सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो भाई अगर मेरा एक आउटपुट आ गया तो अब मेरे लिए सारे आउटपुट लाने बड़े आसान है। कैसे, मैं बस इस इफ को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे फिर से इफ लिख दूँगा ताकि मैं सेकंड वाले चेकबॉक्स को चेक करा सकूँ, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा एच टू, क्योंकि सेकंड वाले चेकबॉक्स की जो वैल्यू वो है आईडी है वो क्या है, वो एच टू है, और तीसरे वाले की आईडी क्या है, वो है एच थ्री,
तो भाई इसकी आईडी भी दे देता हूँ यहाँ पे H3, और चौथे वाले की भी दे देता हूँ H4। अब कॉपी पेस्ट करता हूँ, चलना मिस, मुझे हो गया मेरा काम। ये लीजिए, ये भी हो गया काम। तो यहाँ पे आते हैं, मैं पांचवा भी बनाया था शायद मैंने, पांचवे वाले का कर देता H5। अब ज़रा गौर करना है आपको कि अब आपका आउटपुट कैसे आता है। देख लीजिए कि आपने H1 से लेकर H5 तक ही IDs दी थी। यस सर। तो मैंने सारी IDs दे दी हैं, सारे काम मैंने कर दी हैं। ओके जी, तो वापस आते हैं हमने प्रोग्राम पे। अब ज़रा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ट्रैवलिंग को पहले, और ट्रैवलिंग के बाद मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा सिंगिंग। मैंने यहाँ पे दो चेक बॉक्सेस पे टिक कर दिया, पहले मैंने टिक करा है किस पे, ट्रैवलिंग पे, लेकिन और फिर उसके बाद मैंने टिक करा है सिंगिंग पे। बट मेरा जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, मेरा आंसर आएगा कि योर हॉबीज, और हॉबीज़ के बाद लिखा हुआ आएगा सिंगिंग देन ट्रैवलिंग। क्यों? क्योंकि कंडीशन में सीक्वेंस वाइज दे रखा है हमने, तो सीक्वेंस वाइज में इस तरह से आंसर आएगा। ज़रा सेलेक्ट उस पर हॉबीज पे क्लिक करते हैं, देखिएगा कि जवाब सही आ रहा है या गलत आ रहा है। सही आ रहा है। सही आ रहा है बेटे। यस सर। चलो जी, इस बार हम अदर्स भी ले लेते हैं, इस बार हम डांसेस भी, रीडिंग भी ले लेते हैं, देखते हैं अब आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो लिखा रहा है योर हॉबीज सिंगिंग, रीडिंग, डांसिंग, ट्रैवलिंग, अदर्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ गई हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? और अगर यूज़र ने यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं करा है, अगर यूज़र ने किसी भी हॉबी का सिलेक्शन नहीं करा है, तो फिर क्या होगा, फिर लिखा हुआ आएगा प्लीज सिलेक्ट अ हॉबी। तो बहुत छोटी सी बात है ये। क्लियर हो गई टॉपिक? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी बच्चों, अब मेरे पास अभी एक सवाल आया है जो भेजा गया है सनी राठौड़ द्वारा। इन्होंने कहा कि सर ये टॉपिक जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, ये जो तरीका है ये थोड़ा लंबा हो गया, ये तरीका क्या छोटा हो सकता है, और छोटा करने के लिए क्या इसमें लूप लगाया जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे सभी को चेक ही करा रहे हो, तो अगर हम सभी को चेक ही करा रहे हैं तो ये एक काम, जो एक काम बार बार हो रहा है वो हम खुद ना करके लूप से भी करवा सकते हैं, तो फिर क्या हम यहाँ पे कोई चेंजेस ऐसे करें कि जिससे कि प्रोग्राम छोटा हो जाए और हमारा आसानी से आंसर आ जाए, क्योंकि सिर्फ हो क्या रहा है, कोड देखा जाए तो यहाँ पे सब जगहों पे एक जैसा ही है, बस फ़र्क क्या है, पहले वाला इफ H1 के लिए है, दूसरे वाला इफ H2 के लिए, तीसरे वाले इफ H4 3 के लिए, और ऐसा कर करके आपने पांच भी लगा दिया। अगर गलती से आपके पास 10 चेकबॉक्स होंगे तो फिर तो आप 10 चेकबॉक्स 10 इफ लगा दोगे सेम काम के लिए, तो इससे आपका कोड बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा सर। और हम सब जानते हैं कि जब हमारा एक ही जैसा काम बार बार हो रहा होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। किसका? लूप का कॉन्सेप्ट हम वो यूज़ करते हैं, लूप का कॉन्सेप्ट। तो भाई लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ये आईडी वाला कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, आप सबको नया तरीका समझाता हूँ इस काम को करने का। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मुझे आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आईडी लिखा रहने दूँगा, और मैं इस फाइल को सेव कर दूँगा एक दूसरे नाम से। तो हॉबीज़ इन जावास्क्रिप्ट 2 कर देता हूँ इसका नाम, हॉबीज़ इन जावास्क्रिप्ट 2.html, मैं इसका नाम ये कर देता हूँ पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है भाई, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इतना लंबा चौड़ा मैंने काम करा, इतने सारे इफ़ वगैरह लगाए हैं, ये मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादती कर दी अपने साथ, मैं इसे हटा देता हूँ। मैंने वो सारे चीज़ें हटा दी हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा वेरिएबल x नाम से, और लिखूँगा डॉक्यूमेंट
डॉट, सॉरी डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। आई थिंक मैंने परसों क्लास में आपको ये चीज़ समझाई थी, गेट एलिमेंट्स बाय नाम का मेथड। यस सर, गेट एलिमेंट्स बाय नेम नाम का मेथड है, और इसके अंदर आप कौन सा नाम दे देंगे, H1 देंगे, H2 देंगे या हॉबी देंगे? हॉबीज, हॉबी देंगे, हॉबीज है, हॉबीज दिया मैंने, क्या दिया नीचे भाई ज़रा देख लूँ, हॉबीज दिया है तो हाँ हॉबीज दे देंगे, यहाँ पे हॉबीज दे दिया आपने नाम। तो अब होगा क्या, अब होगा ये, जितनी जगहों पे आपने नेम हॉबीज दिया है उन सभी का कलेक्शन उठकर कहाँ पे आ गया, एक्स नाम के वेरिएबल एक्स में, वेरिएबल एक्स में उन सबका कलेक्शन आ गया, यानी इस एक्स नाम के वेरिएबल के द्वारा अब मैं किसी भी ऐसे एलिमेंट की वैल्यू शो करा सकता हूँ जहाँ पे नेम क्या दिया गया होगा, हॉबीज, क्या दिया गया होगा, जहाँ पे नेम हॉबीज, हॉबीज दिया गया होगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, सनी ध्यान से समझ लो, अब तुम यहाँ पे, हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे और यहाँ पे हम एक आई नाम का वेरिएबल देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू ज़ीरो, और फिर हम यहाँ लिखेंगे आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ, क्या लिखेंगे, क्या लिखा भाई मैंने, I less than x dot length। इस लूप को लगाने का मकसद क्या है, इस लूप को हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इस लूप के द्वारा हम अपने सभी चेक बॉक्सेस को चेक कर सकें जहाँ पे नेम हमने क्या दे रखा है, हॉबीज दे रखा है, जहाँ पे हमने नेम हॉबीज दे रखा है। तो हमने यहाँ पे जो लिखा है i बराबर ज़ीरो, वो इसलिए लिखा है क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो ज़ीरो से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, ज़ीरो से शुरू। हमारा जो x नाम का वेरिएबल है वो एक सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा अब या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो अब इस एक से ज़्यादा के केस में होगा क्या कि जो पहली वैल्यू स्टोर होगी जिस लोकेशन पे वो इंडेक्स होगा ज़ीरो, जो सेकंड वैल्यू स्टोर होगी वो इंडेक्स नंबर होगा वन, जो तीसरी वैल्यू स्टोर होगी वो इंडेक्स नंबर होगा टू। इसीलिए मैंने अपने लूप को कहाँ से सेट करा है, ज़ीरो से। मैंने अपने आई वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी है बेटे, ज़ीरो रखी है, क्या सोचकर, क्या दिमाग में रखकर कि भाई मेरा जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से शुरू हो रही है, तो इसलिए आई की वैल्यू मैंने क्या रख दी, ज़ीरो रख दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इस लूप को मुझे कब तक रन करना है, कब तक चलाना है, इस लूप को कब तक दोहराना है, इस लूप को मुझे तब तक दोहराना है जब तक आई की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन एक्स डॉट लेंथ। अब आप एक बार बताओ, आपके नेम नाम हॉबी जो लिखा हुआ है, नेम इक्वल टू हॉबी, वो कितने चेक बॉक्सेस में लिखा हुआ है, पांच में लिखा हुआ है, कितने में, पांच में, पांच ऐसे इनपुट टाइप बराबर चेक बॉक्स हैं जिसमें नेम आपने क्या दिया, हॉबीज दिया। तो जब आप ये एक्स डॉट लेंथ लिखोगे, ये एक्स डॉट लेंथ क्या बताएगा, ये बताएगा कि कितनी जगहों पे हॉबीज नाम का शब्द यूज हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ऑटोमेटिक आपके पास, फाइव। तो यहाँ पे लूप में कंडीशन क्या बन गई, आई लेस देन फाइव, क्या बन गई कंडीशन यहाँ पे भाई, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही बच्चों। मैंने आपसे कहा कि ये जो डॉट लेंथ नाम की प्रॉपर्टी है ना, ये मिलती है हमें गेट बाय नेम्स की वजह से, गेट्स बाय, गेट एलिमेंट्स बाय नेम की वजह से। अब क्योंकि हमारा एक्स नाम का जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल नहीं रहा बल्कि एक कलेक्शन वेरिएबल बन गया, कैसा वेरिएबल बन गया, कलेक्शन वेरिएबल। तो अगर मुझे जानना है कि एक्स के अंदर कितनी वैल्यूज या कितने नेम्स के एट्रीब्यूट स्टोर्ड हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स डॉट लेंथ। तो जैसे मैं एक्स डॉट लेंथ लिखूंगा, अगर मैं एक्स डॉट लेंथ को प्रिंट कराता हूँ तो वो मुझे बता देगा नंबर, एक नंबर, और नंबर ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इतनी जगहों पे हॉबीज शब्द यूज़ हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पे लूप सेट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़, और मैं लिखूंगा इफ़ एक्स आई डॉट चेक्ड,
कि अगर एक्स आई जो है, एक्स आई का मतलब एक्स ज़ीरो होगा शुरू में, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। और एक्स ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स ज़ीरो रिप्रेजेंट करेगा पहले चेकबॉक्स को। एक्स वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा दूसरे चेकबॉक्स को। एक्स टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, तीसरे चेकबॉक्स को। तो यहाँ पे हमारा काम छोटा हो गया। अब हम यहाँ पे लगातार सारे चेकबॉक्स को चेक करा रहे हैं, और जितने भी बॉक्स चेक होते रहेंगे हम क्या करेंगे, एच के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो कैसे स्टोर कराएंगे, हम लिखेंगे एक्स एक्स आई डॉट वैल्यू बराबर वैल्यू लाइक दिस। ये हो गया मेरा काम बस। अब मैंने सेकंड प्रोग्राम बनाया बच्चे, यहाँ पे क्या बनाया, और यहाँ पे ये लूप लगाया किस चीज़ के लिए, टू चेक योर चेक बॉक्सेस आर चेक्ड और नॉट, इफ चेक्ड स्टोर द वैल्यू, इफ चेक्ड द स्टोर द वैल्यूज। ये लूप इस काम को करेगा। ज़रा देखते हैं, सबसे पहले हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसे ब्राउज़र में जाता हूँ, ओपन करता हूँ इसे ब्राउज़र में, और मेरे सामने ये एक डेटा आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा योर हॉबीज़ पे क्लिक करूँगा। अभी भी लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अ हॉबी, क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट अ हॉबी, ओके करते हैं। अब यहाँ पे केवल मैं ट्रैवलिंग को सिलेक्ट करता हूँ, केवल ट्रैवलिंग पे टिक करता हूँ, और अब योर हॉबी पे क्लिक करता हूँ, तो क्या दिखा रहा है, क्या आपको दिखा रहा है, योर हॉबीज़ ट्रैवलिंग। अब एक काम करते हैं, सारी हॉबी सिलेक्ट कर लेते हैं, सारी सिलेक्ट कर लो, सारे के सारे। लो जी, मैंने सारी सिलेक्ट करे और फिर से मैंने बटन पर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैंने इस बार बटन पर क्लिक करा, क्या आपकी सारी हॉबीज दिखा रहा है, जूम कर लीजिए। यस सर। तो अब आप एक बात बताओ यार, मैंने कितना छोटा कर दिया अपने प्रोग्राम को, जहाँ पे मेरी 5 बार चेकिंग होनी है, मैंने उस 5 बार की चेकिंग के लिए एक छोटा सा लूप सेक्शन बना दिया। मैंने इस लूप को आई से शुरू करा, क्यों शुरू करा इस आई को ज़ीरो से, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है पहले चेकबॉक्स की या पहले रेडियो बटन की, वो ज़ीरो से होती है, यानी इंडेक्सिंग मतलब प्लेसिंग, क्योंकि आपने गेट एलिमेंट्स बाय नेम यूज़ करा है, और जो कि एक्स नाम के वेरिएबल को कलेक्शन वेरिएबल बना रहा है, यानी ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर एक नहीं एक से ज़्यादा चीज़ों को होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा चीज़ों को होल्ड कर रहा है। तो इस पर्पज़ के लिए हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे लूप लगाया, लूप के अंदर आई की वैल्यू ज़ीरो रखी, और अब ये लूप कहाँ तक चलेगा, अब हमें कैसे पता लगेगा, 5 हम यहाँ लिख देंगे एक्स डॉट लेंथ, क्या लिख देंगे, अरे भाई क्या लिख देंगे, एक्स डॉट लेंथ। तो एक्स डॉट लेंथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी जगहों पे नेम बराबर हॉबीज मेंशन हुआ है, तो वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक देखेगा कि भाई यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से देखा कि 5 है, तो ऑटोमेटिक एक्स डॉट लेंथ की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे कितनी आ गई, 5। अगर आपने और भी जगहों पे दे रखा होता तो उन सबको कैलकुलेट करके बता देता कि भाई 10 जगहों पर, 20 जगहों पर, 30 जगहों पर कैसे है। तो ये बहुत सिंपल सी तरकीब है जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स यूज़ करते हैं या उसके प्रोग्राम यूज़ करते हैं। तो आपके पास देखिए पहला प्रोग्राम ये रहा, और पहला प्रोग्राम देखने के हिसाब से तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने बहुत इजी तरीके से काम करा है। एच हमने यहाँ लिखा इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का इस्तेमाल करके हमने एक एक आईडी को चेक करा लिया। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों टाइम कंज्यूमिंग, पहले ही हमारा कोड बढ़ा रहा है, दूसरा हमें खुद से ही लिखना पड़ रहा है हर बार कि भाई ये चीज़ चेक करनी है, ये चीज़ चेक करनी है। यहाँ हम लिख रहे हैं क्या, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हें कौन कौन सा चेक करना है, कितनी चेक करना है, नहीं यहाँ पे हम नहीं बता रहे। अगर यहाँ पे मैं 5 चेकबॉक्सेस और बढ़ा दूँ HTML द्वारा, तब भी क्या आपको लगता है कि मुझे मेरा कोड इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये कोड और बढ़ाना पड़ेगा, नो सर,
नो सर। बल्कि जो कोड लिखा है वो उसी कोड में मेरे 10 चेकबॉक्स, 20 चेकबॉक्स, 100 चेकबॉक्स भी क्या हो जाएंगे, चेक्ड हो जाएंगे कि वो टिक है या नहीं। लेकिन यहाँ वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में तो मुझे अपने हर एक चेकबॉक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ पार्ट लिखना पड़ेगा। तो कौन सा कन्वीनियंट है आपके लिए, आपके लिए जो कन्वीनियंट है वही तरीका कन्वीनियंट है, ठीक है। और अगर आप ये भी बताना चाहते हो यूज़र को क्या कि कितने चेकबॉक्स क्लिक हुए हैं, अगर आप ये बताना चाहते हो कि हाउ मेनी चेकबॉक्स आर क्लिक्ड, तो आप एक काम और कर सकते हो। वो काम क्या है, आप यहाँ पे आई की वैल्यू या सॉरी एक वेरिएबल बना सकते हो यहाँ पे, जिसका नाम आप रख सकते हो काउंट, और काउंट की वैल्यू रख दो 0। और जितनी बार आपका ये इफ पार्ट ट्रू होगा, जितनी बार आपका इफ पार्ट ट्रू होगा, काउंट अपनी वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस प्लस क्या कर देगा, यानी अगर आपके 2 चेकबॉक्स टिक हुए हैं तो काउंट की वैल्यू 2 बार प्लस प्लस हो जाएगी, यानी 0 से बढ़कर उसकी वैल्यू 2 बार 1, एक बार फिर एक बार 1, फिर एक बार 1 होगी, तो इस तरह इसकी वैल्यू भी प्लस हो जाएगी। और जैसे आप कोई भी चेकबॉक्स वो कराते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो नीचे की तरफ क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट राइट में लिख दो टोटल चेकबॉक्स आर टोटल चेकबॉक्स चेक्ड, कितने भाई चेक्ड हुए हैं, अब यहाँ पे लिख दे हम यहाँ पे लिख देंगे काउंट। अब देखते हैं ज़रा हमारा आउटपुट कैसा आएगा, वापस आते हैं रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा डांसिंग, यहाँ पे लिखा रीडिंग, और यहाँ पे लिखा यहाँ पे टिक किया सॉरी अदर्स, इन 3 जगह से टिक कर दिया। योर हॉबीज़ पे जाते हैं तो हमें पहले हमारी हॉबीज़ दिखाई जा रही हैं कि 3 हॉबीज़ हैं, डांसिंग रीडिंग अदर्स, ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा आ गया क्या, टोटल चेकबॉक्स चेक्ड 3। तो कर सकते हैं आप लोग या नहीं? यस सर। तो इस काम को करने के, इस तरह इस आउटपुट को प्रिंट कराने के भी कई सारे मेथड्स हैं। आप अलर्ट के द्वारा मत करवाओ, अपने पेज भी शो करा सकते हो बटन के नीचे एक साथ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लो, उसको हाइड, उसको डिसेबल कर दो, उसके बॉर्डर्स को गायब कर दो, वहाँ पे दिखा दो। या फिर एक और एडवांस तरीका होता है जिसके लिए छोटी सी लाइन यूज़ करनी होती है, जिसके द्वारा से आपका डेटा हमेशा वहीं पर ही प्रिंट होगा, कोई चेकबॉक्स कुछ नहीं होगा। डायनेमिक डेटा जनरेट करने का तरीका होता है, वो भी हम किसी दिन ज़रूर समझेंगे। लेकिन यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यस सर। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक चेकबॉक्स है स्क्रीन के ऊपर, सपोज़ करो क्या एक चेकबॉक्स है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किसी बटन को प्रेस करूँ वो बटन क्या होता है, चेक्ड हो जाए, यानी टिक आ जाए उसके ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि आपने यहाँ पे ये बना रखा है डांसिंग नाम का एक चेकबॉक्स बना रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक चेक्ड नाम के बटन पर क्लिक करूँ तो इस पर टिक आ जाए, और एक अनचेक्ड वाले बटन पर क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट हो जाए, ये अनचेक्ड हो जाए। ऐसा हमें कुछ करना है, यानी इसको चेक कराना है या फिर इसे अनचेक्ड कराना है, कुछ ऐसा हमें काम करना है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई ये काम हो कैसे सकता है कि किसी बटन को हम टिक भी करा सकें और किसी को हम अनटिक भी करा सकें, या किसी को हम सेलेक्ट भी करा सकें, किसी को हम उसी को हम अनसेलेक्ट भी कर सकें। हमें ये अलग काम करके देखना है, क्या हम ट्राई करके देखें इस चीज़ को? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम ये है कि पहले तो हम HTML द्वारा, अरे यार सेव करूँ, तो चेक्ड अनचेक्ड इन जावास्क्रिप्ट, ऐसे हम अपनी फाइल का नाम रख देते हैं चेक्ड अनचेक्ड इन जावास्क्रिप्ट डॉट HTML। ये हमारी फाइल का नाम हो गया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं HTML, और यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक्ड अनचेक्ड चेकबॉक्स, यहाँ लिखते थे हम जावास्क्रिप्ट।
अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम अपने चेक बॉक्सेस बनाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे क्लिक टू, क्लिक बटन, क्लिक बटन टू चेक अनचेक, ये लिखा हमने, बी आर दिया हमने, फिर इनपुट टाइप चेकबॉक्स। और आपको अब यहाँ पे जो देना है आईडी देनी है, आईडी यूज़ कर सकते हो क्योंकि हम एक ही चेकबुक्स बना रहे हैं तो हम सिर्फ एक आईडी दे सकते हैं, दैट्स इनफ। हमने यहाँ पे इसकी आईडी दे दी। और आपको अगर लगता है कि आपको इसकी कोई वैल्यू देनी है, जस्ट डू इट, आप इसकी वैल्यू दे दो। मैं फ़िलहाल नहीं दे रहा इसकी वैल्यू। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप बराबर बटन, बटन और बटन का नाम कर देते हैं हम क्या, चेक बटन, और इसमें हम देंगे ऑन क्लिक। अभी हम ऑन क्लिक में कोई फंक्शन कॉलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरह से लिख कर छोड़ दिया। फिर भाई इनपुट टाइप बराबर बटन और वैल्यू भी बराबर हम यहाँ कर देते हैं क्या, अनचेक बटन, अनचेक कर देंगे। हाँ, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑन क्लिक बराबर जो भी हमें देना होगा वो हम दे देंगे। चलो इतने को ज़रा टेस्ट देखे तो सही हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। पहले तो हम अपने आउटपुट को देख लेते हैं। और यहाँ पे एक गलती हो गई है, हमने नेम दे दिया गलती से बटन के अंदर, यहाँ पे देना था वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू। चलिए जी, ये लीजिए, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, चेक बटन में क्लिक करूँ तो ये चेक्ड हो जाए, अनचेक बटन में क्लिक करूँ तो ये अनचेक्ड हो जाए। अब इस काम को समझने के लिए आपको यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, वो है चेक्ड नाम की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, चेक्ड नाम की, चेक्ड, C H E C K D, चेक्ड। अभी हमने शायद पिछले एग्जांपल्स में उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके तो जाना था कि हमारा बटन टिक है या नहीं है। भाई जाना था या नहीं जाना था? यस सर, यस सर। तो हम क्या करेंगे, हम उसी चेक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई मैं पहले यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ, SCRIPD स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आकर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन का नाम हम क्या रख देते हैं, चेक या टेस्ट चेक, टेस्ट चेक नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं। और बस यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना। वो काम क्या होगा, वो काम ये होगा कि अगर आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर आपने क्या रख दिया, आईडी के अंदर आपने रख दिया C1 डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, बस आपने लिख दिया, बस इतना करना था। यानी आप बता रहे हो कि आप जो है C1 को क्या कर रहे हो, टिक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, C1 को टिक कर रहे हो, आप टिक कर रहे हो। और यहाँ पर आकर टेस्ट अनचेक में क्या कर रहे हैं आप, उसे अगर आप उसकी वैल्यू दे देते हो फॉल्स तो वो क्या हो जाएगा, अनचेक्ड हो जाएगा। यानी डॉट चेक बराबर ट्रू लिखने से वो टिक हो जाएगा और डॉट चेक बराबर फॉल्स लिखने से वो अनटिक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ लिखना है फंक्शन का नाम कॉलिंग के पर्पस के लिए। तो कॉलिंग पर्पस से हम अपने फंक्शन का नाम क्या रख देते हैं, हमने अपने फंक्शन का नाम पहले से ऊपर रख रखा है, एक का नाम टेस्ट चेक, एक का नाम रख रखा है हमने टेस्ट एंड चेक। तो फर्स्ट वाले बटन पे हम क्या करेंगे, हम कॉलिंग करेंगे किसकी, टेस्ट चेक, चेक की। और सेकेंड वाले बटन पर हम किसकी कॉलिंग करेंगे, टेस्ट अनचेक, टेस्ट अनचेक की। चलिए चेक करते हैं भाई कि आउटपुट हमारा सही आ रहा है गलत आ रहा है। एक बार रिफ्रेश करेंगे और चेक बटन पर क्लिक करते हैं। क्या बटन पर क्लिक करते हैं वो चेक्ड हो गया, यस सर, यस सर। चेक अन पे क्लिक करते हैं, यस सर, क्या अनक्लिक्ड हो गया, यस सर, हो गया। देख लीजिए दोबारा, मैं चेक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ चेक्ड, और फिर अनचेक वाले पे क्लिक कर रहा हूँ अनचेक्ड।
तो बहुत छोटा सा काम हुआ, बहुत मामूली सा काम हुआ, और वो छोटा सा मामूली सा काम किस बात पर हुआ? सिर्फ इस नाम की प्रॉपर्टी से, जिसको हम कहते हैं चेक्ड प्रॉपर्टी, जो रेडियो बटन और चेक बॉक्स दोनों के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए? सर जो रेडियो बटन रेडियो उसके लिए और चेक बॉक्स दोनों के लिए यूज़ की जाती है। हाँ जी, अब बोलिए कौन क्या पूछ रहा है। सर अगर मल्टीपल वैल्यूज हुई तब तब ये यूज ही नहीं होगा फिर तो। मल्टीपल वैल्यूज किस तरीके से? सर अगर ज्यादा जैसे आपने सिर्फ एक चेक बॉक्स दिया, अभी सिर्फ एक एक टिक हो रहा है, तो अगर सर ज्यादा टिक हुई तब तो फिर ये वैल्यू यूज ही नहीं होगी, ये चेक तो यूज ही नहीं होगा फिर। आप अपना पर्पस बताओ कि आप मल्टीपल वैल्यूज में ये फीचर क्यों देना चाहोगे। वही सर, मैं तभी वही पूछ रहा था आपसे। नहीं नहीं देखो, सर सर देखो, अगर आप सवाल कर रहे हो तो सवाल में पहले पर्पस छुपा हुआ होना चाहिए कि पर्पस क्या है, कि हम मल्टीपल वैल्यूज को चेक क्यों कराएंगे। आप बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो, एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आप कहाँ पे ऐसी फितरत देखना चाहोगे कि जहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत सारे चेक बॉक्स सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं एक बटन पे क्लिक करने पे? शायद ऐसा कहीं नहीं देखना चाहोगे। हाँ ये जरूर, हाँ शायद ये ज़रूर देखना चाहोगे कि किसी चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो कोई बटन था वो डिसेबल था पहले से, वो इनेबल हो गया, फिर अनटिक किया तो वो बटन वापस क्या हो गया, डिसेबल हो गया। शायद ऐसा कुछ करना चाहोगे। यस तो सर, मैं बस पूछ रहा था एक बारी कंफर्म। हाँ कोई बात नहीं भाई, आपने सवाल पूछा, अच्छी बात है, जी सर गलत बात नहीं है सवाल पूछने में, लेकिन मैं ये कहता हूँ बस कि जब आप कोई भी सवाल रख रहे हो तो उस सवाल का पहले हमें क्या करना है, हमें उसका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि उसको हम कहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे, देख पाएंगे। मुझे आपको ये सवाल क्यों कराना पड़ा, मुझे आपको ये सवाल इसलिए कराना पड़ा ताकि हम ये जान सकें कि क्या किसी बटन के ऊपर हम चेकबॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका टिक कराना, उसका अनटिक कराना। और हम चाहें तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, केवल एक फंक्शन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक फंक्शन बनाएंगे सर, केवल एक फंक्शन बना सकते हैं, और उस एक फंक्शन से भी, एक एक सिंगल फंक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, एक बार क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे वो चेक्ड हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो वो अनचेक्ड हो जाएगा। तो हम चाहें तो दोनों फितरत डाल सकते हैं इसके अंदर एक ही सिंगल फंक्शन के ऊपर। जी सर। सर हाँ जी बोलिए कौन। सर आयुष सर, इसमें जैसे कि हम एमसीक्यू वेबसाइट बनाते हैं, हाँ तो सर जब हम उसके जैसे कि हम उसे पूरा सॉल्व करके सबमिट कर रहे हैं, तब क्या ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है कि ये अपने आप सिलेक्ट हो जाए सर कि कौन से सही थे कौन से रॉन्ग थे? पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा उसमें हर एक सवाल में। आपने एक पेज के ऊपर 40 चेक बॉक्स बना दिए हैं, किस पर्पस के लिए? 10 सवाल दे रखे हैं आपके, और 10 सवालों में आपके 4 चेक बॉक्स बने हुए, तो आपको अलग अलग चार, मतलब चार अलग क्या बोलूँ मैं, 10 सेट होंगे आपके 4-4 चेक बॉक्स से। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा उन सबके लॉजिक अलग अलग लगा के उन सबके आंसर्स निकालने पड़ेंगे, और आंसर्स को कैलकुलेट कर कर एक सिंगल बटन पे उसकी फंक्शनली देनी होगी ताकि वो खुद ब खुद बता दे कि टोटल सवालों में से कितने सवालों के जवाब सही हैं या गलत हैं। उसमें एरेज यूज होगा, एरेज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके सर, तो आपको चेकबॉक्स के साथ साथ एरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि 4 चेकबॉक्स में से कौन सा आंसर ठीक है कौन सा गलत है, उन सारी चीज़ों को वो क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। ओके सर, और फिर हम एरे में से ही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कितने 1 आए और कितने 0 आए, जितने 1 आए होंगे उन सारे 1 को प्लस करके बता देंगे कि भाई आपके जो है इतने सवालों में से इतने ठीक हैं, और जितने 0 आएंगे उसका मतलब उतने गलत हैं। तो आप जो MCQs वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हो, वो MCQs वाला कॉन्सेप्ट आप इस पर कर सकते हो बहुत ईजीली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं आपसे अब क्लास को ओवर करने से पहले एक छोटा सा तरीका और डिस्कस करना चाहता हूँ। वो डिस्कस करना क्या है, वो डिस्कस करना ये है कि सपोज़ करो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिख रखा है मैंने, और मैं मेरे पास अब एक चेक बॉक्स बना हुआ है, जैसे ही मैं उस चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा क्या करूँगा, उस चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा, उस चेक क्लिक करने का काम क्या होगा कि वो मेरे दिए गए डेटा को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, यानी मैंने गलती से अपना नाम दे दिया स्मॉल के अंदर, और अब मैं उसे कैपिटल करना चाहता हूँ। एक तरीका तो ये कि मैं उसे कट करूँ खुद लिखूँ, दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास वहाँ पे कोई ऑप्शन दे रखा हो जिससे कि मेरा काम ऑटोमेटिक
हो जाए क्या मेरा वो काम खुद ब खुद हो जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो जानते हैं। क्या हम ऐसा क्या करें कि हमारा काम खुद ब खुद हो जाए, करके देखें। यस सर, यस सर। और आपको एक, अब आपको एक नई और बात पता लगेगी चेकबुक्स के बारे में। तो चलिए करते हैं इस काम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है भाई, हमें तो यहाँ पे फाइल को सेव करना है। तो हम अपनी फाइल का नाम रखते हैं चेक बॉक्स अपर केस डॉट एच टी एम एल, इस तरह से एक नाम रख दिया बस मैंने। और अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ लिखते हैं चेक बॉक्स अपर केस, और यहाँ पे हम कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट। देन हम यहाँ पर चलो हम हैंड टू अभी दे देते हैं स्क्रिप्ट पार्ट, हालांकि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन दे देते हैं बस। अब यहाँ पर आते हैं एच टी एम एल के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम डेटा मेंशन करेंगे कुछ इस तरह कि आपको एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, और यहाँ पे लिखा होगा इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, आईडी बराबर आपको जो इसकी आईडी देनी है वो आप दे दीजिए। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ F1 या FN या फिर N, जो आपको देना है मर्ज़ी आपकी। और इतना करने के बाद आप क्या कर दीजिए, ठीक है सर, आपने इसका होमवर्क भी दिया था। हाँ इसका आपने होमवर्क भी दिया था करने के, आंसर आया नहीं ना सर, भेजा था। किसने भेजा था सर? मैंने। अच्छा चलिए देखते हैं। और ये करने के बाद अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बीआर देते हैं, और बीआर देने के बाद भाई यहाँ पे लिख देंगे क्या कन्वर्ट टू अपर केस, ये लिखा आपने, और यहाँ पे एक बटन बना दिया आपने इनपुट टाइप टाइप बराबर चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स बनाने के बाद आप इसकी आईडी, जो आपको इसकी आईडी देनी है, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि हमें इसकी आईडी देनी है, और बस यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर आपको फंक्शन पास करना होगा। ऊपर आते स्क्रिप्ट में और यहाँ लिखते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट अपर केस। अल्लाह तो, और यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है मेरे एन, और एन लिखने के बाद भाई अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट वैल्यू, ठीक है क्या लिखा डॉट वैल्यू, और इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, यहीं पर ही यही पेस्ट कर दूँगा, और डॉट वैल्यू के बाद यहाँ लिख दूँगा डॉट टू अपर केस फंक्शन का नाम। तो होगा क्या, होगा ये कि n की वैल्यू को पहले अपर केस में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर n की वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। कब? जब यूज़र चेक बॉक्स पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। ज़रा एक बार हम चेक कराते हैं इस बात को। तो भाई हमने यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, अब मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखता हूँ अपना नाम मोहम्मद सलमान लिखा मैंने, और उसके बाद मैं इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ। क्या इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने पे मेरा नाम वो हुआ? आई थिंक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने शायद कॉलिंग नहीं करवाई इस फंक्शन की। यस सर, इस फंक्शन की कॉलिंग भी तो करवानी पड़ेगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं, देखते हैं ऑन क्लिक तो ब्लैंक पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, इसमें तो कॉलिंग की ही नहीं गई है। तो कॉलिंग एक बार यहाँ पर करवाते हैं, फिर से रिफ़्रेश करते हैं, और फिर से मैं अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मोहम्मद सलमान, और अब आप आके यहाँ पर इस पर टिक कीजिए। तो जैसे आपने इस पर टिक किया, क्या आपका नाम ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया या नहीं हो गया?
यस सर कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया यस सर ठीक है जी तो मैंने भी ऐसे किया तो फिर एक बार रिफ्रेश कर देते हैं फिर एक बार यहाँ पे लिखते हैं हम क्या कि तुम बड़े ही नालायक हो कैपिटल में करते हैं इसे लो जी तुम बड़े ही नालायक हो ये चीज भी हो गई तो बच्चों इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो हालांकि इसमें कई तरह की चेंजेस की जा सकती हैं कई तरह के इसमें बदलाव किए जा सकते हैं बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं ये सिर्फ आपकी थिंकिंग के ऊपर है कि आप किस तरह के बदलाव करने में इंटरेस्टेड हो आप जो जो बदलाव करना चाहोगे उसके हिसाब से आपको अपना कोड बदलना पड़ेगा अपने कोड को और बेहतर बनाना पड़ेगा ये तो भी बहुत सिंपल सा कोड लिखा गया है ये कोड और ज़्यादा बेहतर बन सकता है और बेहतर बन सकता है और जितना बेहतर बनेगा उतना बेहतर आउटपुट आपके सामने आएगा सर आपने बोला था सिंगल चेक बॉक्स में लोअर मतलब लोअर केस अपर केस होना चाहिए एक मिनट दोबारा बोलिए क्या कहने आप सिंगल चेक बॉक्स में दोनों होना चाहिए ऑप्शन एक अपर केस एक लोअर केस हो जिस पे क्लिक करे तो अपर केस हो और अनटिक करे तो लोअर केस सो ये दिया था आपने सर तो भाई मैंने दिया था तो करा आपने ये बोलो वो मतलब सिंगल वाला हो गया था जो आपने अभी किया था ना सर वो हो गया बाकी वो नहीं हो पा रहा अनटिक वाला अनटिक पे लोअर केस वो नहीं हो रहा था अब आज जो आपको तरीके समझाए गए हैं सिखाए गए हैं उन तरीकों को पहले करके देखो ट्राई करके देखो पहले वो नहीं फिर जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे करें वो कैसे करें उसको एक बार ट्राई कर लो हो सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाए यस सर ठीक है सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है काम को करने की और काम में गलतियाँ आएंगी ये भी ध्यान रखना है गलतियाँ आएंगी गलतियाँ परेशान भी करेंगी लेकिन अब आपके ऊपर ज़रूरी क्या है अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन गलतियों को देखकर अपने काम को रोकना चाहते हो या उन गलतियों को देखकर उस गलती को सुधारना चाहते हो और दोबारा कोशिश करना चाहते हो कि वो कम से कम वो गलतियाँ तो ना आए नई गलती आ जाए सीधा आउटपुट आ जाए लेकिन अब वो गलतियाँ ना हो ये भी ख्याल रखना है आपको तो ठीक है भाई आज की क्लास के लिए दैट्स इनफ ठीक है यस सर